तो यहाँ पर एक और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। हमें ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, अब ये हमें एक्सप्रेशन बेसिकली सॉल्व करना है। तो अब क्योंकि इसमें ना वैसे अगर हम एक एपी को सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे हमने बोला ए एन एथ टर्म, तो ए एन को हम लिखते हैं ए स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट बिकॉज इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो ही स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी गिवन है, इसलिए हमने कैपिटल ए को लेना है एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी जिसकी यहाँ पर क्वेश्चन में बात करी गई है, और कैपिटल डी को लेना है हमने एज कॉमन डिफरेंस। जो एनथ टर्म है उसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनथ टर्म का ही फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको गिवन है कि जो टी पी है दैट इज़ ए, है ना, जो टर्म जो पी एथ टर्म है वो कितनी है, ए है, क्यू एथ टर्म है बी, आर एथ टर्म है सी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर सिंपली टी पी इक्वल्स टू ए, टी क्यू इक्वल्स टू बी, टी आर इक्वल्स टू सी। तो ये तीन टर्म्स हमको यहाँ पर गिवन है, और हमें ये जो चीज़ प्रूव करनी है उसको हमने ऐसे लिख लिया। सो प्लीज़ सी द प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आई हैव प्रेजेंटेड द डेटा। तो दिस कैरीज अ लॉट ऑफ मार्क्स इन द एग्जाम्स कि आप प्रेजेंटेशन अपना कैसा रख रहे हैं। प्लीज़ अब अगर हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि जो पी एथ टर्म है वो कितनी है, ए है। तो अब जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी का भी, ए प्लस, अब पी एथ टर्म है तो एन की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर देंगे कितना, पी माइनस वन इंटू डी। जो क्यू एथ टर्म है वो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। जो आर एथ टर्म है उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो ये तीन टर्म्स हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, यहाँ पे ओपन द ब्रैकेट्स कर दो, तो ए प्लस पी डी माइनस वन इंटू डी इज माइनस डी, ये हो जाएगा ए प्लस क्यू डी माइनस डी, और ये हो जाएगा ए प्लस आर डी माइनस डी। नेक्स्ट स्टेप है ए माइनस डी को साथ में लिख दो, प्लस पी डी को बाद में लिख लो, ए माइनस डी को साथ में लिख लो प्लस क्यू डी को बाद में लिख दो, ए माइनस डी को लिखो साथ में प्लस आर डी को लिख दो पीछे। तो ये बन जाती है इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू, और ये है इक्वेशन थ्री। अब ये हमारे पास गिवन हो गया ए बी और सी। तो अभी हमें समझ आ गई कि ए जो है दैट इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस पी डी, जो बी है दैट इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस क्यू डी, और जो सी है दैट इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस आर डी। अब जो मेन क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो मेन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, क्यू माइनस आर, बी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए आर माइनस पी, और सी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या, पी माइनस क्यू। तो वही हम स्टेप अब यहाँ पे करेंगे। तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, क्यू माइनस आर। तो ये है ना, यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, क्यू माइनस आर को। तो जो राइट हैंड साइड में है ए माइनस डी, वो भी मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर से, प्लस पी डी जो लिखा है यहाँ पर लिखा है ना इक्वेशन वन में पी डी, ये भी मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर से। जो बी है गिवन हमारे पास वो मल्टीप्लाई होगा किससे, आर माइनस पी से, क्योंकि यही चाहिए हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने को। तो अब ये जो है इसका राइट हैंड साइड में ए माइनस डी, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी, प्लस जो क्यू डी है दैट अगेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी। जो सी है उसके साथ हमें क्या चाहिए मेन क्वेश्चन में, पी माइनस क्यू। तो आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस, ये है ना यहाँ पर सी के साथ क्या चाहिए हमें, यहाँ पर पी माइनस क्यू। तो सी के साथ है पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू प्लस आर डी एज इट इज़ है, अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए था क्वेश्चन में, कि ये जो तीनों टर्म्स है ये ऐड होनी चाहिए। तो चलो अपन इसको क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। तो उसे हमने ऐसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को नोट करा इक्वल्स टू। अब तीनों टर्म्स में से हम देखेंगे, तीनों इक्वेशंस में से राइट हैंड साइड पर ए माइनस डी ए माइनस डी ए माइनस डी कॉमन है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे कॉमन निकाल दिया। ओपन द ब्रैकेट्स, फर्स्ट टर्म में क्या है, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, तो उसको ऐसे नोट कर लिया। प्लस इसमें क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, डी डी और डी कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचा, पी क्यू माइनस पी आर, तो ये लिख दिया पी क्यू माइनस पी आर। सेकेंड टर्म में क्या है, क्यू आर माइनस क्यू पी, तो क्यू आर माइनस क्यू पी। थर्ड टर्म में क्या है, आर पी माइनस आर क्यू, थर्ड टर्म में आ गया आर पी माइनस आर क्यू। अब इन ब्रैकेट्स की अगर अपन अंदर बात करते हैं तो देखिएगा प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल्ड आउट हो गया, प्लस आर माइनस आर ज़ीरो, प्लस पी माइनस पी ज़ीरो। तो ऐसा करके ए माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है ज़ीरो, प्लस डी के साथ अब क्या है देखिएगा, पी क्यू
माइनस क्यू पी या पी क्यू, तो ये दोनों चीज़ें कट गई। अगला माइनस पी आर प्लस आर पी या पी आर, तो माइनस और प्लस कैंसल आउट। फिर ये दोनों टर्म दिख रही है प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू या क्यू आर, ये दोनों टर्म भी क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। तो डी के साथ भी कितना आ गया यहाँ पर जीरो। तो ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज़ जीरो, प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज़ जीरो, जीरो प्लस जीरो इज़ जीरो। तो ऐसे करके ये जो हमें प्रूव करना था दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।